मलिक साहब क्या हो गया है, क्यों इतना उदास बैठे हो यार, बड़ी क्या यार, क्या बंद कर यार इसको, क्या तूने यार कैमरे हर वक्त खोल के बैठ जाते हो, ये क्या बात हुई? तो यार वीडियो बस बनानी तो होती है ना, देखो ना सुबह उठे शाम को उठे यही प्लान होता है कि वीडियो बनानी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की उदासी कोई यार आगे मैं उदास यार, बंद कर इसको, क्या करते हो यार, हर्ट कर रही है मुझे काफी ज्यादा। क्या हो गया मलिक साहब, क्यों यार, क्या यार कसम से इमोशनल हुआ वो मैं ऑलरेडी, और तुम्हें चस्का आया हुआ ये वीडियो बना के मेरे इमोशंस के साथ खेलने का। नहीं क्या यार, भगा भगा के यूट्यूब को, यूट्यूब वाला सीन नहीं है तो यार, ये देखो फिर हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, डिसाइड क्यों हो रहे हो, मेहनत यार सारी मेरा रिवॉर्ड देगा ना, मेहनत सारी हमने करनी है, किधर किधर घूम घूम के फिर फिर के, और आज हमें ये देख दिन भी देखना पड़ेगा क्या यार फजूल। तो खैर है ना यार, मतलब किस तरह ना करो, तुम्हारी जो है वो उदासी देख के तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ अचानक। मैंने कहा मलिक साहब के आज मैं घर आया हूँ जी, तो मलिक साहब का दरवाजा खोला है, तो आगे मलिक साहब दरवाजा खोलने भी नहीं आए, उनके भाई ने दरवाजा खोला है और आगे आए, तो मलिक साहब बड़े हैरान परेशान, और मैं तो देख के हैरान परेशान हो गया। मलिक साहब इस तरह तो ना करो यार, रीजन क्या है वो तो बताओ ना मुझे। ये बस ये रीजन क्या बताऊं मैं, कसम से दिल उदास हुआ है और मैं बड़ा इमोशनल हुआ हूँ, आंखों में मेरे आंसू आए हुए, और तुम ये कैमरा खोल के बैठ गए हो यार, कुछ तो कुछ शर्म करो। मैं तो आया हूँ, चलो आओ कहीं चलते हैं बाहर, वीडियो बनाते हैं। छोड़ यार वीडियो क्या बनानी है हमने, इस घर वालों को बताया कि मैं जा रहा हूँ। एक तो यार ये घर वालों ने, और ये जो दोस्त यार हैं, और ये जो फैंस हैं, इन्होंने ज्यादा डिसाइड की है। क्यों हर वक्त यार पूछते रहते हैं कि जी कितने डॉलर कमा लिए हैं, कितने पैसे आ गए हैं, कितने पैसे आ गए हैं, ये YouTube वाले पैसे देते हैं तो उन्हें बताओ तो सही ना यार, चैनल बनाया कभी जनाब, क्या करो जी, सब्सक्राइबर पूरे करो जी, सब्सक्राइबर पूरे हो तो वाई टाइम पूरा करो जी, वीडियो इन करो जी, वो करो जी, उतो जनाब थंबनेल लाओ जी, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, पूरा कितना मुश्किल से हम टाइम निकालते हैं, और एक YouTube वाले हैं, मैंने इनको क्या कहे, उदास ही कर दिया यार इन्होंने तो। यार मलिक साहब उदास ना हो, देखो ये तो कोई भी काम है, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है ना हर काम के लिए, तो ये है कि ये मेहनत लगी रहेगी इंशाल्लाह, अल्लाह एक दिन रिवॉर्ड भी देगा, तो इस तरह डिसाइड ना हो यार। हमारा कोई दिल बहुत बड़ा है जो हर वक्त कहते रहते हो कि अल्लाह रिवॉर्ड देगा, मेहनत करो मेहनत करो, यार मेहनत किसी और चक्कर में हम करते ना तो पता नहीं शायद हम अरबपति बन जाते। जिस चक्कर में हम लग पड़े, देखो अल्लाह कहते हैं एक काम आप शुरू कर दें, उसका जो सिल है वो मेरा काम है, उसका फल देना मेरा काम है, तो इसलिए थोड़ा वेट करो, जहाँ आगे इतना वेट किया थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, अभी तो हमें चैनल बनाए 6 माह हुए यार, क्या हो गया भले, इस तरह तुम डिसाइड हो गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम और हमारे फैंस कहाँ जाएंगे, वो तो उदास हो जाएगा। बस ये आप कैमरा तुमने मेरे मुंह पे लगाया हुआ, फोकस कर रहे हो, फोकस मुझे रीजन तो बताओ, मुझे रीजन तो बताओ, रीजन क्या यार बताऊ कि बस डिसाइड हुआ हूँ कि यार मैं इमोशनल हुआ हूँ, इमोशंस बह रहे हैं मेरे, और YouTube कोई काम शाम कोई नहीं है, YouTube कोई काम शाम नहीं है, और कोई ये भागो इससे, कोई पे नहीं है, और ये लोगों ने जो बनाया है ना जी, कितने डॉलर जो आता है जनाब इधर से छेड़ जाता है कि कितने डॉलर हो गए जी, बड़े पैसे कमा रहे जी, बड़े पैसे, ये एडिसो का पैसे कमाना, ये YouTube वाले जनाब बंदे का वो निचोड़ गई ने हर चीज से, तम ही पैसे जैसे कोई नहीं देने, तो मैं तो बड़ा अजीब सा माहौल हुआ है, तो अब बंदा क्या करे क्या करे, कहाँ जाए साहब, क्या हो गया यार, मुझे भी परेशान कर दिया, मुझे भी अब कैमरे के सामने आना पड़ा है, पहले तो मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं मलिक को क्या हो गया, तो मैंने कहा चले हम मलिक को थोड़ा दिलासा भी देते हैं, और इतना यार मैं तो तुम्हारा दिल है क्या, तुम्हारा दिल कोई बहुत ही बड़ा है तो तुम उदास नहीं होते, मैं तो वाकई उदास हो गया हूँ भाई यार, क्या लोग पूछते हैं डिसाइड करते हैं जी, और इतने दूर फिरते रहते हो तो फिर भी कोई कमाई नहीं, तो फजूल काम करते हो, ये करते हो वो करते हो यार, देखो भाई लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जुमला जो हमें खराब करता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ो, लोग जो कहते हैं वो कहते रहे, कभी आप ठीक काम करें, लोगों ने उसको भी ठीक कहा है, हम लगे हुए हैं और हमारा माशाल्लाह कंटेंट बहुत अच्छा है, और हमें जो रिस्पांस आवाम दे रही है बहुत अच्छा है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है मलिक साहब, ये तो चलता रहता है, तो उदास ही है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे चेहरे से थोड़ी थोड़ी हंसी भी नजर आ रही है, कोई उदास नहीं है, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज ये क्या है यार, ये देखो जी वो लोग जो हमें कहते होते थे ना कि कोई कम सम कोई नहीं, फजूल कम है, ए देखो जनाब ए देखो गूगल एडसेंस द आ गई है पिन जनाब, यार मलिक मेरा तो इतना निकाल दिया एक दफा, तो यार कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन बहुत
था सियात। ये देखें जी, लास्ट स्टेज जो हमारी रहती थी वो भी जनाब हो गई, गूगल एडसेंस की हमारे पास पिन आ गई है और वेरी वेरी एक्साइटेड आई एम। मजे थोड़ी सी वो एक्टिंग की है, आपसे भी आपसे है वैसे, लेकिन मैं बड़ा ये प्रैंक हमें भाई लोगों के साथ करने चाहिए जब बड़ी वीडियो वायरल हो वही ना। लेकिन आज यकीन माने मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि हमारी वो 6 माह की मेहनत जो है ना वो रंग ले आई है और इस डेवलप की हमने ना बड़ी मेहनत की थी और वेट भी की है। लेकिन हम अक्सर यूट्यूबर्स के देखते हैं ना, उनके 3-4 माह तो ये पिन ही नहीं आती सर, सारे क्राइटेरिया। लेकिन आपसे मलिक साहब उस दिन भी के पिन का मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं कि पिन 2-3 माह आती ही नहीं है पिन। बिल्कुल, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 डेज जो है वो हमारी पिन आ गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और शानी की उम्मीद है कि आपको एक्टिंग पसंद आई होगी। वैसे वाकई मुझे ये पता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं, मैं भी सीरियस हो गया हूँ लेकिन मैं इसको फिर भी तसल्ली दे रहा था। लेकिन शानी ये जो तुमने तोहफा दे दिया है ना, यस, तो खुशी जो है वो इतनी होगी मेरी, यकीन माने के बड़े बड़े जबरदस्त। और इसको ऐसे करे ताकि हमारे जो गूगल एडसेंस की पिन आ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुबारक हो, अहसन को भी मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो और खान साहब को मुबारक हो, हमारे पठान भाई को मुबारक हो क्योंकि उसकी भी बड़ी मेहनत है और हमारे साथ घूम घूम के तो स्टार्टर उन्होंने किया था। पहले एक ऐसा टाइम था कि जब शानी और मैं 1.5 महीने में ही हो गए थे, यार छोड़ो कोई काम नहीं, खान कहता होटल चलो तक गए शुरू की तरह से कंप्लीट करो वही ना, तो वो बड़ा मोटिवेट करके गए वो। हाँ ना, अभी भी सपोर्ट हमें करते हैं। बाकी हमारे फैंस का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो हमें वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं। असल तो क्रेडिट जो है ना उनका है कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और उनके कमेंट्स जो उनसे हैं वो आते रहते हैं और हमारे लिए वही मोटिवेशन का बायस है। तो ये लास्ट स्टेज थी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना ये भी होगी क्लियर। और ये सब आपकी वजह से, ये आप भाइयों और बहनों की वजह से जो इतना टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं और फिर हम अपनी राय का भी इजहार करते हैं और फिर हमें भी तभी मोटिवेशन मिलती है। और हसन का शुक्रिया है कि ये बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है मेरा और हमेशा इसने मोटिवेट भी किया। मैं कई बार रो भी जाता हूँ डिसार्ड यार कि नहीं, लेकिन ये है कि ये पीछे पड़ा रहता है कि नहीं यार आज उधर चलेंगे, आज ये वीडियो बनाएंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे। तो मकसद यही है कि चलें, एक तो हमारी मेमोरीज इकट्ठी हो रही हैं और एक जो है वो चलें एक अचीवमेंट भी है। वो पहले जनाब सब्सक्राइबर वाली अचीवमेंट थी, फिर वो वॉच टाइम वाली अचीवमेंट थी, फिर वो सारा एक लंबा चौड़ा यूट्यूब का प्रोसेस है। वैसे भी कहते हैं कि गोरों से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, तो अब ये लास्ट स्टेज थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिन भी आ गई है। और नए यूट्यूबर्स वो जो वीडियो का स्टार था ना उसको हटा दें बिल्कुल, और ये है कि नए यूट्यूबर्स इस यूट्यूब वाली फील्ड में आएँ, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं और कंसिस्टेंट रहें। तो ये एक अच्छा है आपके पास है ऑप्शन कि आप एक चिल माहौल में कुछ ना कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो असल आपका शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, दोनों की शुक्रिया कि असल में चैनल आज अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो दो बंदों की वजह से कर रहे हैं। अगर मैं अकेला चैनल स्टार्ट करता, अगर मेरा दिल एक दिन नहीं है तो डिसाइड हो गया तो चैनल खत्म हो जाता। इस तरह अगर शानी अकेला स्टार्ट करता तो वो मुश्किल हो जाता है। जब टीम वर्क का नतीजा है ये, कभी एक मोटिवेट करता है कभी दूसरा मोटिवेट करता है, तो ये है कि हम एक राह पे चले हुए हैं तो चलते जा रहे हैं सबकी दुआओं के साथ। तो नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, बाकी शानी ने अच्छे अल्फाज में आप लोगों का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। तो बाकी शानी मलिक बहुत कंग्रेचुलेशन, अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे और नए यूट्यूबर्स को भी कामयाब करे और जो हमसे और अच्छे और ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि मैं एक तो अपनी अचीवमेंट आपको बताना क्योंकि इस अचीवमेंट में ज्यादातर हाथ जो है ना वो हमारे देखने वालों का है, और दूसरा वो लोग जो मोटिवेट होंगे हमारी ये वीडियोज देख के वो भी जो है ना आए वीडियो बनाएं और इसको इंजॉय करें। ये इस चक्र में ना पड़े कि आपने कोई डॉलर्स कमाने हैं या कोई अर्न करना है, आप ये है कि चिल माहौल में एक फन के तौर पर इसको लें कि फजूल कामों में या फजूल मसरूफियात में उलझने से बेहतर है कि ये वीडियोस वाला या कंटेंट कोई कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं वीडियो वगैरह बना के तो लगा दें। इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना वो मदद करता है। और हसन की हमेशा बात यही होती है कि अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है, और इसी पे ही हमारा भी फर्म बिलीफ है कि किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और मेहनत जारी रखोगे तो अल्लाह कामयाबी ज़रूर देता है।
तो आज जनाब यही खुशी आपके साथ शेयर करनी थी। माजरत, थोड़ी सी ड्रामेबाजी करनी पड़ी है मुझे हसन के साथ भी और आपके साथ भी, लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि ये एक आज ये बड़ा स्पेशल दिन है हमारे लिए, वो जो 6 माह की हमारी थकन है ना वो आज दूर हो गई है, तो उसको शेयर करना था और मैं चाह रहा था कि इसको ऐसे तरीके से शेयर करें कि एक यादगार दिन बने। तो होप सो जनाब आज आपको हमारा ये अच्छे वाला वीलॉग भी अच्छा लगा होगा और कोशिश यही किया करें कि हमें मज़ीद सपोर्ट करें तो ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। क्यों हसन जी? बिल्कुल मलिक साहब ने बड़ा अच्छा आपको मैसेज भी दे दिया और बता भी दिया कि आपकी सपोर्ट है, आपकी सपोर्ट की वजह से ही आज हमारा चैनल यहाँ तक है। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है आपसे कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे चैनल को आप लाइक भी कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को आप देखते भी हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करते हैं। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते भी रहें आप, इंशाल्लाह जो हो सका जितना हो सका आपको पाकिस्तान का एक्सप्लोर करेंगे, जितना कंटेंट हमसे बन सका हम बनाएंगे। इसी तरह की नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। शानी और मुझे दीजिएगा इजाज़त क्योंकि हम खुशी सेलिब्रेट भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।